हे गाइज, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश वीडियो ऑफ गैजेट जंक्शन। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ गैजेट्स के बारे में जो आपके डेली बेसिस पर काफ़ी काम आ सकते हैं। बेस्ट थिंग इज कि ये गैजेट्स आप इजीली 500 रुपीस के अंडर परचेस कर सकते हैं अमेजोन स्टोर से। आई विल गिव लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो, जिससे आप इजीली इन्हें चेकआउट कर सकें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट इन टू इट। नंबर वन ऑन द लिस्ट इज सोलार पावर LED लाइट। गाइज, ये लाइट एक्चुअली काफ़ी यूजफुल है। इस सोलर पावर लाइट में हमें 1800 mAh की रिचार्जेबल बैटरी मिलती है, जो 3 hours के अंडर फुल्ली चार्ज हो जाती है सनलाइट से। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इस लाइट में हमें लाइट सेंसर और मोशन सेंसर का सपोर्ट मिलता है, जिससे ये लाइट ऑटोमेटिकली डे टाइम पर ऑफ होती है, और जैसे ही नाइट टाइम पर इसके कोई नियर बाय जाता है तो ये ऑन हो जाती है। What I like most is कि हमें इस लाइट को यूज़ करने के लिए किसी एक्सटर्नल पावर से कनेक्ट नहीं करना पड़ता। लाइट वेट होने की वजह से आप इसे ईजिली डबल साइडेड टेप या फिर स्क्रू के थ्रू किसी भी आउटडोर प्लेस पर हैंग कर सकते हैं। Now guys, next thing on the list is mini wireless keyboard। ये keyboard हमारे लिए productivity और entertainment में काफ़ी काम आता है। इस keyboard को आप किसी भी Android, Windows या फिर Mac device के साथ आसानी से use कर सकते हैं। Keyboard में हमें multimedia key, mouse support और RGB backlit का support मिलता है, जिससे media को control करना हमें काफ़ी आसान हो जाता है। हमें इस कीबोर्ड में 2.4 GHz का डोंगल सपोर्ट मिलता है, जिससे आप इसे ईजिली 10 meters की रेडियस में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। गाइस, ये जो आप अभी बल्ब देख रहे हैं, ये कोई नॉर्मल बल्ब नहीं है। इस बल्ब के अंदर हमें 3 watt का स्पीकर मिलता है, जिससे आप अपने फ़ोन के ब्लूटूथ से कनेक्ट करके इस पे गाने प्ले कर सकते हैं। इवन दैट्स नॉट इट, हमें इस बल्ब के अंदर रिमोट का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे आप इसे सिंगल या फिर डिफरेंट RGB कलर कॉम्बिनेशन पर बल्ब को सेट कर पाते हैं। रिमोट से हम बल्ब को ऑन ऑफ करने से लेकर वॉल्यूम बढ़ाना, म्यूजिक को प्ले पॉज करना, बल्ब के कलर्स को चेंज करना, जैसे काफ़ी सारे फीचर्स हम इजिली रिमोट के थ्रू यूज़ कर पाते हैं। अब गाइस, यदि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो ये राइटिंग पैड आपके काफ़ी काम आ सकता है। बेसिकली कितनी बार हमें मीटिंग्स अटेंड करते टाइम या फिर प्रेजेंटेशन लेते टाइम कुछ नोट्स को नोट डाउन करना होता है, तो आप इस राइटिंग पैड का यूज़ कर सकते हैं। What I like is कि राइटिंग पैड पर लिखना काफ़ी सिमिलर फील होता है पेन एंड पेपर के। अब वर्किंग की बात करें तो हमें इसमें स्टाइलस मिलता है, जिससे आप इजीली नोट्स ले सकते हैं। इसके बाद हम डाउन बटन प्रेस करके स्क्रीन को क्लियर अप कर पाते हैं। बेसिकली डाउन साइड पर जो हमें बटन मिलता है वो डिलीट बटन की तरह वर्क करता है, एंड ऑन द बैक साइड हमें एक लॉक बटन मिल जाता है, जिससे आपके रिटर्न कंटेंट को आप डिलीट बटन प्रेस करने के बाद भी रिमूव नहीं कर सकते। सो आपको यदि कुछ नोट्स लेके इसको स्टिक करना रहता है तो इसके लिए आप इसके बैक साइड पर लॉक बटन प्रेस कर सकते हैं। व्हाट आई लाइक इट कि हमें इसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक मटेरियल मिलता है, जो काफ़ी सॉलिड और ड्यूरेबल फील होता है। आई एम प्रीटी श्योर ये इजीली ब्रेकआउट नहीं होगा। OTG अडाप्टर। गाइस, इस अडाप्टर के थ्रू आप इजीली अपने फ़ोन से हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, USB कीबोर्ड, माउस, गेम पैड जैसे काफ़ी सारे डिवाइसेस को डायरेक्टली अपने स्मार्टफोन पर यूज़ कर सकते हैं। व्हाट आई लाइक इज कि ये डायरेक्टली प्लग एंड प्ले की तरह वर्क करता है, तो आपको इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी कंपेटेबल डिवाइस से इसे कनेक्ट करके इंस्टेंटली फ़ोन के साथ यूज़ कर सकते हैं। अभी के टाइम पे हमें फ़ोन में रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे आप OTG अडाप्टर कनेक्ट करके अपने नेक बैंड, स्मार्ट बैंड या फिर स्मार्ट वॉचेस को डायरेक्टली अपने फ़ोन के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। अब गाइस, यदि आप अपने स्मार्टफोन पे PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी, अस्फाल जैसे गेम्स खेलते हैं, देन यू माइट बी फैमिलियर कि अब हमें प्लेयर को कंट्रोल करने के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। सो ऐसे में ये सिंपल ट्रिगर्स आपके फ़ोन के गेमिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर करने में काफ़ी काम आ सकते हैं। ट्रिगर्स के थ्रू हम मल्टीपल फिंगर से गेम को आसानी से कंट्रोल कर पाते हैं। व्हाट आई लाइक इज कि हमें इन्हें ब्लूटूथ या फिर वाईफाई से कनेक्ट भी नहीं करना पड़ता। आप जस्ट अपने फ़ोन पे इन्हें प्लेस करके डायरेक्टली यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज HDMI स्विच। गाइस, यदि आप भी अपने ऑफिस लैपटॉप और पर्सनल लैपटॉप के बीच में काफ़ी फ्रीक्वेंटली स्विच करते हैं, तो ये स्विच आपके काफ़ी काम आ सकता है। अभी के टाइम पे हमें मोस्टली न्यू मॉनिटर्स में सिंगल HDMI पोर्ट मिलता है, जिससे मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करना मॉनिटर से इतना आसान नहीं होता। ऐसे में इस HDMI स्विच से हम मल्टीपल डिवाइसेस को हमारे TV या मॉनिटर से इजीएस्ट वे में कनेक्ट कर पाते हैं। कन्वीनियंस के लिए हमें इसमें रिमोट सपोर्ट भी मिलता है, जिससे आप इंस्टेंटली डिवाइस के बीच में स्विच कर पाते हैं। गुड थिंग इज कि ये स्विच 4K रिजोल्यूशन तक को सपोर्ट करता है, जिससे हम गेमिंग कंसोल या फिर स्ट्रीमिंग डिवाइस को भी आसानी से यूज़ कर पाते हैं।
रियली थम्स अप फॉर दैट। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इस टाइप के और टेक रिलेटेड वीडियोज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।